नमस्कार गाइस, तो आज का व्लॉग जी करते हैं शुरू। तो आज हमारा जो है ना पानी खेतों में लग रहा है, और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आप लोगों को बताना है। तो जी अभी सुबह सुबह के टाइम में तकरीबन 8 का टाइम हो चुका है, तो मैं अपना थोड़ा सा काम का जो जितना भी है ना वो निपटा लेता हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलता हूँ जी। हेलो, जय श्री राम। तो फ्रेंड, एक साल मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जब मैंने पहली बार इस यूट्यूब चैनल को बनाया था 2020 में, तब से लेकर आज तक मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस चैनल पर कभी भी हार मानने की कोशिश नहीं की, तो जैसे तैसे करके मैंने एक साल कंप्लीट किया। लेकिन अभी फ़िलहाल एक साल में देखना यह है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, इस चैनल को मैं कहां तक लेकर आया, तो वो आप सबके सामने ही है। अभी तक 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट होता है वो भी कम्प्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो सब लोग अभी जोक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो, अपन हार नहीं मानने वाला है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर 2017 से मौजूद हूँ। मैंने 2017 में यूट्यूब पर चैनल बनाया, लेकर उसमें भी नाकामी मिली, क्योंकि मैंने सिर्फ 1-1.5 महीना काम किया, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने फिर बनाया 2018 में यूट्यूब पर चैनल, उस पर भी मैंने 1-1.5 महीने काम किया और फिर छोड़ दिया। फिर 2020 में बनाया, 10-15 दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। फिर आया 2019 के बाद 2020 आया, और मैंने ये सोचा, फाइनल ये डिसीजन लिया कि अब तो भाई जो हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन चैनल बनाने के बाद छोड़ना नहीं है, मेहनत करनी है। साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, वीडियोस बनाते रहना है। और मैंने वीडियोस बनाना शुरू भी कर दी, और आज तक वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। 1 साल गुजर गया है, लेकिन अभी तक कामयाबी कुछ खास नहीं मिल पाई। लेकिन आप लोग जितने भी भाई सपोर्ट कर रहे हो ना, जितने आप लोगों ने प्यार दिया वो देकर बहुत दिल ज़्यादा खुश होता है। तो इसी तरह के सपोर्ट करते रहें, मिलेंगे अगले साल फिर से इसी महीने में, अगस्त में देखेंगे कि क्या खोया, फिर क्या पाया, 2 साल के बाद हमारा चैनल कहाँ तक जाएगा, हम क्या कुछ कर पाएंगे। तो फिर यही, अभी जी वक्त हुआ है हमारे खाने का, तो आप लोगों ने खाना खाना है तो हमारे साथ आ सकते हो। तो अभी खाने में क्या बना है जी? खाने में हमारी जो सब्ज़ी बनाई गई है वो है बैंगन की, आलू और बैंगन, ये आप लोग देख सकते हो, आलू और बैंगन है। और हमारे पास जो रोटी यहाँ पर पड़ी हुई है जी, रोटी है और मक्खन से चौपड़ी हुई रोटी जिसे कहते हैं वो है, ये हमारी रोटी है। सादा सा माहौल है, सादा सा खाना खाता है, कुछ ज़्यादा बड़ी मैं अपने आप को वो नहीं, एफिशिएंसी नहीं मारता कि इतना ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, सादा सा बंदा हूँ। और जैसे बोलना आता है, जैसे वीडियो बना लेती बना लेता हूँ, बाकी जो इर्द गिर्द के लोग मजाक बनाते हैं, बनाने दो उन्हें, एक दिन हम भी बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं, क्योंकि अभी हार मानने वाले नहीं है। तो गाइस अभी आ चुका है जी सैलून पे, तो मेरी दाढ़ी ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा सैलून पर जाकर ना तो अपनी दाढ़ी जो है बनवा लेते हैं। ये रमेश भाई इधर खड़ा, तो ये मेरी दाढ़ी बनाने वाला, तो कैमरे को इधर खड़ा कर देता है और दाढ़ी बना। तो गाइस बेबी जी करवा कर सैलून से बाहर निकला हूँ, इधर धूप भी बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारी बागी इधर खड़ी हुई है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग किस तरीके से मेरा जो फेस एकदम से क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है, क्योंकि मेरी दाढ़ी जितनी भी थी मैंने उसे शेव करवा के साफ करवा ली है। अब जो फेस एकदम से ठीक ठाक लग रहा है, और हल्का हल्का था ना, थोड़ा सा फील हो रहा है। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, और मैं आ रहा था रास्ते में, उधर नहीं वीडियो बना पाया बिकॉज़ के वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थे, कुछ भीड़ भी थी, तो मैं नहीं बना पाया वहाँ पर वीडियो, क्योंकि थोड़ी सी शर्म भी आती है वीडियो बनाने में, यहाँ पर ध्यान देना।
क्योंकि ये लोग सब कहते हैं यार एक साल हो गया वीडियो बना रहे हैं ना करना, तुझे कुछ हुआ नहीं है। तो अभी कहता अभी हासिल क्यों नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहा है हासिल, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, वही सब कुछ मेरे लिए है। तो सब कुछ पैसे तो नहीं है ना, मैंने नहीं रखते रखे, पैसा आएगा तभी कामयाबी होगी, ऐसा तो नहीं है। पैसा तो और काम से भी कमा लेंगे और काम भी कर लेंगे, लेकिन ये एक ड्रीम होता है बंदे का, अपना दिल करता है कि कोई काम करता रहता है।